हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ चिकन पोटा कलेजी बनाने का एकदम नया और अलग तरीका। और अगर इस तरीके से आप एक बार चिकन पोटा कलेजी को बना के खा लेते हैं तो यकीन मानिए इसका जो स्वाद है वो आपकी ज़ुबान से कभी नहीं उतरेगा, और बार बार आप इसी तरीके से चिकन पोटा कलेजी को बना के खाना पसंद करेंगे। तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन पोटा कलेजी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 700 ग्राम चिकन का पोटा और कलेजी लिया है, जिसे मैंने अच्छे से क्लीन एंड वॉश कर लिया है। अब हम गैस ऑन करेंगे और एक कढ़ाई को गर्म होने देंगे। देखिए कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म होने दें। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा, हम इसमें थोड़ा सा साबुत जीरा, एक तेज पत्ता, एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, चार लौंग और एक टुकड़ा दालचीनी ऐड करेंगे और इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो देखिए खड़े मसाले हल्के से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन ऐड करके इसे मीडियम फ्लेम में एक मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। तो देखिए इसे फ्राई करते हुए एक मिनट हो चुका है। अब इस टाइम में हम यहाँ पर दो मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और हम प्याज को मीडियम फ्लेम में अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम चिकन का पोटा और कलेजी को ऐड करेंगे और इसी टाइम में हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे हम सबसे पहले 5 मिनट के लिए कवर करके हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे, जिससे कि कलेजी और पोटा अपना पानी अच्छे से छोड़ देंगे। तो देखिए इसे फ्राई करते हुए 5 मिनट हो चुका है। इधर कलेजी और पोटा ने भी अपना सारा पानी छोड़ दिया है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम में कवर करके अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि इससे ऑयल सेपरेट ना होने लगे। देखिए इससे ऑयल सेपरेट हो चुका है, यानी कि अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इस तरीके से अगर आप कलेजी और पोटा को फ्राई करेंगे ना, तो इसमें कभी भी स्मेल नहीं रहेगा। अब इस टाइम में हम एक शिमला मिर्च को बारीक काट के इसमें ऐड कर देंगे। पोटा कलेजी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम फिर से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। तो देखिए शिमला मिर्च को पोटा कलेजी के साथ फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुका है। बस हमें इतना ही इसे फ्राई करना है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 2 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसी टाइम में हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच चिकन मसाला। चिकन मसाला आप किसी ब्रांड का ले सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर करके मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि मसाला से ऑयल सेपरेट ना होने लगे। तो देखिए मसाला से ऑयल सेपरेट हो चुका है, यानी कि मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस टाइम में हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ पोटा को गलाने इतना ही पानी ऐड करेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे कवर करके मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि पानी अच्छे से ड्राई ना हो जाए। तो देखिए पानी बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी पोटा कलेजी बन के रेडी है। अब इसमें हम लास्ट में थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब ये गर्मा गर्म सर्व करने के लिए रेडी है। अब मैं आपको गर्मा गर्म पोटा कलेजी को सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए कितना बढ़िया पोटा कलेजी बनकर रेडी हुआ है।
और आपने देखा कि इसे हमने बिल्कुल अलग और नए तरीके से बनाया है और यकीन मानिए खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो आप भी इस तरीके से एक बार पोटा कलेजी को जरूर ट्राई करके देखिएगा, उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। और अगर आप इस तरीके से एक बार पोटा कलेजी को बना के खा लेते हैं तो यकीन मानिए इसका जो स्वाद है वो आपकी जुबान से कभी नहीं उतरेगा और आप बार बार इसी तरीके से पोटा कलेजी को बना के खाना पसंद करेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट रेसिपी की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।